हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे आरक्षण ऋण की, जो कि सभी भाइयों को फेस करनी पड़ती है। और पूरे YouTube के ऊपर इसमें कोई डिटेल वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे को भी वो प्रॉब्लम आई थी और मैं भी काफ़ी देर से सर्च कर रहा था और कोई एक प्रॉपर वीडियो नहीं मिली। तो आज हम इस प्रॉब्लम को खुद सोल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम है उसका नाम है क्लच एडजस्टमेंट। दोस्तों, अपनी क्लच की जो है, अपन क्लच प्लेट भी नहीं डलवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, पर क्लच का जो एडजस्टमेंट होता है, जो प्ले होता है, वो परफेक्ट नहीं हो पाता। तो एक बार बाइक की तरफ चलते हैं और डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं, और आज इस चीज़ को सोल्व भी करके रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी RX100 की तरफ। तो दोस्तों, ये है अपनी RX100 जिस पे अपन वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों क्लच में एडजस्टमेंट। दोस्तों, कई भाइयों की तो जैसे क्लच जो एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ से हो जाती है। जैसे कि मान लो अपने को थोड़ा सा पिकअप बढ़ाना है, तो थोड़ा सा प्ले दे देंगे, इसको थोड़ा लूज़ कर देंगे, चकनट को थोड़ा ढीला करके इसको थोड़ा लूज़ करके वापस इसको टाइट कर देंगे, है ना। ढीला आगे होगा तो ऐसे आगे की साइड ढीला कर देंगे और ये प्ले बन जाता है और फिर अपना पिकअप बन जाता है। ये तो हो गई एक आम समस्या। पर कई बार दिक्कत पता है क्या आती है, जैसे कि इसको टाइट कर देंगे तो फिर पिकअप नहीं बनेगा, गियर अच्छे से डलने लग जाएंगे। इसमें थोड़ा प्ले दे देंगे तो पिकअप तो अच्छे से बनेगा, पर बाइक क्लच भींचने के बाद भी गियर में रहेगी। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम क्या है, ये सब आती है क्लच एडजस्टमेंट के ऊपर। तो वो अपनी दिक्कत आती है यहाँ से शुरू, इसके नीचे जो एक नट होता है उस वो जब अपसेट हो जाता है तब होती है, और उसको अपन चाहे कितना ही एडजस्ट करने की कोशिश कर लें, वो अपने परफेक्ट जगह पर आ ही नहीं पाता। और ये प्रॉब्लम सभी भाइयों के साथ आती है जहाँ तक मुझे पता है। मैंने पूरे यूट्यूब पर वीडियो खंगाल मारी, कोई भी डिटेल वीडियो ऐसी मिली नहीं जिसमें इस नट के बारे में प्रॉपरली बता रखा हो कि कैसे क्या एडजस्ट करते हैं। फिर मुझे एक भाई की वीडियो दिखी, उनके चैनल का नाम मुझे पता नहीं, अगर मिल जाएगा तो उनका यहाँ पर मैं पिन करूँगा, क्योंकि वो मैंने वीडियो चलते चलते देखी थी। तो दोस्तों, भाई ने बता रखा था कि उस नट को पहले पूरा लूज़ करना है, उसके बाद बिल्कुल नट को जैसे कि थोड़ा टाइट करना है, मतलब टाइट मतलब उसको पहले तो लूज़ कर लें, फिर उसको इतना कसेंगे कि जब फील होए कि आगे वो भिड़ गया किसी चीज़ के, तो वहीं अपने को रुक जाना है और वहाँ से एक चौथाई पीछे की साइड लेना है। तो कह रहे थे कि फिर उसके बाद अपना एडजस्टमेंट एक नंबर की हो जाएगी, तो पहले वो करके देखते हैं, अगर वो चीज़ वर्क कर गई तो अपन इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, वरना वो नहीं करी तो इसी वीडियो में उस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे सभी भाइयों की ये प्रॉब्लम सोल्व हो। दोस्तों, कई भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाते। दोस्तों, मैं मैकेनिक के पास भी हुआ है, पर दोस्तों RX100 की मैकेनिक जल्दी से हर जगह मिलते नहीं है, और जो अदर बाइक के मैकेनिक हैं वो उनके पास दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब इस चीज़ को ढूंढें दिक्कत कहाँ है। वो ज़्यादा पूछेंगे, कह देंगे कि भाई क्लच प्लेट दोबारा डलवा लो। क्या है कि मिस्त्री को अपने पैसे बढ़ाने से मतलब है, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी करके बताएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका। पिछली बार मेरी की जो क्लच है वो एडजस्ट नहीं थी, इसकी वजह से पिकअप नहीं बना रही थी, उसमें प्ले नहीं था, पर मैंने कहीं से पता किया और जैसे ही थोड़ा सा प्ले किया तो वही क्लच में मेरी इतनी खतरनाक पिकअप बना रही। एक मिस्त्री ने कहा कि भाई इसका इंजन का वर्क आ रखा है, और जबकि मैंने इंजन का काम पहले से करवा रखा था। तो दोस्तों, सब लोग मतलब ऐसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उनको भी अपना बिजनेस चलाना है किसी तरीके से। पर दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपको RX100 की पूरी नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले भाई ने बताया था कि यहाँ से नट को पूरा लूज़ कर लेंगे, तो लूज़ करने के लिए पहले चक नट को लूज़ करेंगे, फिर इसको अंदर की साइड कस देंगे। और उसने बताया था कि एक मीडियम कसना है, मतलब मीडियम रखना है, तो मीडियम अपनी इसको इतना मीडियम काफ़ी है, तो ये काफ़ी मीडियम हो गया मेरे अंदाजे से। तो थोड़ा सा देखो, इतना काफ़ी है शायद मेरे लिए। तो अपन अभी क्या करेंगे, यहाँ से मीडियम कर लेंगे, अगर ये टाइट हो तो इसको लूज़ कर देंगे, लूज़ करने के बाद इसको देख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मैंने काफ़ी लूज़ कर दिया, पहले टाइट था बिल्कुल पीछे था। तो अब क्या करेंगे अपन, एक दो तीन चार, चार नट को खोल के इस कवर को हटाएंगे, सिर्फ इस वाले को, पीछे वाले को नहीं, इस वाले को, और वो नट निकाल के उसकी सेटिंग करते हैं। तो कैमरे को लगाते हैं स्टैंड पे और खोलते हैं उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले इन तीन नट को खोलेंगे और बहुत ही हिसाब से खोलेंगे, क्योंकि देखो इसकी चूड़ी ख़राब हो रखी है, ये दो तो फिर भी नए हैं। तो इनको खोलते टाइम अगर ये स्लिप मार गए
तो दिक्कत ये हो जाएगी, फिर खुलेंगे नहीं, इनकी ग्रिप खत्म हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी लूज कर रखे थे इसलिए अब ये जल्दी खुल जाएंगे। और इनमें एक दिक्कत आती है, लूज रखते हैं तो ये वाइब्रेशन में निकल के गिर जाते हैं, और टाइट रखते हैं तो फिर ये खोलने में दिक्कत करते हैं। तो इनका मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर इनमें 8 नंबर के नट कसते हैं अपन, तो वो फ्यूचर में करेंगे। तो पहले अपन इसको कर लेते हैं जो अभी पर्सनल काम है जल्दी से। वैसे दोस्तों इन नट में एक फ़ायदा हो रहा है कि मतलब पेच कस से सारा खुल जाता है, पर नुकसान ज़्यादा है फायदे कम है। और इन पेच को मिट्टी में ना रखें, कपड़े पर रखें, क्योंकि अगर इनकी चूड़ियों में मिट्टी भर जाती है तो फिर ये कसने में भी दिक्कत करते हैं, और ज़बरदस्ती कसते हैं तो चूड़ी भी ख़राब हो जाती है। और इसमें पानी जा रखा था अंदर, और ये कहाँ से गया है ये मुझे भी नहीं पता। ये है दोस्तों नट। अब दोस्तों भाई ने बताया था कि अब ये लॉक नट है ना जो अपना 10 नंबर का, इसको तो लूज कर लेंगे। इसको लूज कर लिया अपन ने। अब इसको लूज करने के बाद इस वाले नट को लूज करेंगे जो ये क्लच एडजस्ट वाला होता है। दोस्तों देखो ये चीज मेरे को भी नहीं पता इसके एडजस्टमेंट का, मैं भी दोस्तों सीख रहा हूँ लोगों से, आप जैसे भाइयों से सीखता हूँ कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ों का नॉलेज मुझे हो गया है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए आरएक्स सिलेंडर रखते हुए। तो आप भी कमेंट करके मेरे को बताया करो अगर कोई चीज़ आपको गलत लगे या फिर कोई चीज़ का सॉल्यूशन आपको पता हो। तो इसको पहले लूज़ कर लेंगे, ये पूरा लूज़ हो गया। अभी इसको एक काम करेंगे, धीरे धीरे कसेंगे। और भाई ने बताया था जहाँ ये ऐसे लगे ना कि आगे कुछ भिड़ गया, टाइट होने लगे, वहाँ रुक जाने। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आगे कुछ भिड़ गया, तो यहाँ से एक चौथाई बोला था भाई ने, तो एक चौथाई यहाँ मान लेते हैं अपन, यहाँ मान लेते हैं। और यहाँ इस लॉक नट को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, कर दिया। अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए बेसिक सा फंडा है, ऊपर से भी थोड़ा टाइट कर लेंगे। और दोस्तों पूरा प्ले मैंने ले लिया, ऊपर से भी थोड़ा सा प्ले छोड़ दिया है। और दोस्तों ये गियर में है अभी भी, ऐसा लग रहा है जैसे क्लच बीच ही नहीं रही हो। पर कुछ कुछ हद तक ही मेरे को सही लग रहा है। थोड़ा सा गियर में है, टायर देख रहे हैं आप कुछ टाइट घूम रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करते हैं यहाँ से थोड़ा सा और टाइट करके देखते हैं, ये बिल्कुल भिड़ गया है नीचे। और ये अब बिल्कुल भिड़ गया है, तो यहाँ से अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एक चौथाई, तो इतना काफी है। तो दोस्तों बहुत देर के बाद मेहनत करने के बाद आखिरकार इसमें वो पॉइंट आ ही गया जहाँ पर कि इसमें बिल्कुल बढ़िया क्लच सेट है। ऊपर का प्ले दिखा देता हूँ आपको, ये इतना प्ले है, देख सकते हैं आप। ये इतना प्ले कैसे मेजर करेंगे आप, अपनी जो चाबी होती है इससे मेजर करेंगे अपन। अब देखो ये है इतना प्ले है, देखो एक मिनट रुको दोस्तों, इसमें चाबी को फंसाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी इतना प्ले रखना चाहें। मेरे हिसाब से 5 रुपए का सिक्का आराम से आ जाए, इतना प्ले है। तो दोस्तों ये तो होगा प्ले की बात, इतना प्ले मैंने इसमें अभी छोड़ दिया है। और दोस्तों गियर वगैरह आराम से लग रहे हैं और सही है अभी सिस्टम, एकदम सही है। पर दोस्तों जिस बात को कहते हैं कि एकदम परफेक्ट होना, यानी कि स्टार्ट गाड़ी में, यानी कि चलती हुई में नहीं, मान लो गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट कर रखी है, गियर डाल रखा है और क्लिच बीच रखी है, तो उस टाइम पर न्यूट्रल नहीं हो पाती गाड़ी।
और फर्स्ट गियर डल गया तो दूसरा गियर मतलब बहुत टाइट डलता है, यानी गियर अड़जता है। और अगर चलती चलती गाड़ी में अगर अपन ये सब चीज़ें करेंगे, गियर डालना निकालना, तो आराम से हो जा रही है। तो दोस्तों अभी पिकअप तो एक नंबर का बना रही है, देखो ये मिट्टी उखड़ी पड़ी है, ये पिकअप ही टेस्ट किया है मैंने। तो मैंने दोस्तों, मैं चाहता तो झूठ भी बोल सकता था व्यूअर लेने के लिए कि भाई मेरी की तो एकदम बढ़िया हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रॉब्लम के बारे में किसी भाई को पता हो तो मेरे को ज़रूर बताना। पहले सही थी, इसकी सेटिंग जब से किसी ने ख़राब की है तब से ये ऐसे हो रही है। तो अभी तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया कि इसका पिकअप एक नंबर का बन रहा है, गियर डल रहे हैं बढ़िया तरीके से, पर जैसे स्टार्टिंग में न्यूट्रल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बाइक गियर में है, और बिल्कुल अगर क्लच टाइट कर देते हैं उसके बाद तो न्यूट्रल भी कर सकते हैं, पर उसके बाद क्या है कि पिकअप नहीं बनता, क्योंकि पिकअप की वो प्ले जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्ले रहना चाहिए अगर पिकअप बनाना है तो गाड़ी का। तो भाई पुराने जो RX 100 यूज़र हैं वो ज़रूर बताएं भाई किसकी सेटिंग किस हिसाब से होती है। मैंने देखो पर्सनली मेरी सेटिंग मैंने इसमें क्या की है, इसमें मैंने इसको बस हल्का सा जैसे कि पहले पूरा लूज़ कर लिया और ऊपर से भी पूरा लूज़ कर लिया था इसको। अब ये सेट कर रखा है तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको पूरा लूज़ कर लिया था मैंने। और लूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये बिल्कुल फ्री हो गया था। उसके बाद दोस्तों मैंने इस नट को धीरे धीरे टाइट करता गया, और टाइट नहीं मतलब एक पॉइंट जहाँ पर ये ऐसे लग रहा था ना कि भाई अब थोड़ा सा टच हो गया उसके नट के, वहाँ पर जाके मैंने इसकी एक चूड़ी घुमाई थी, जो टाइट घूमती ना, मात्र एक चूड़ी मतलब एक राउंड, और लेकर मैंने पहले यहाँ लॉक लगाया। आपको भी दोस्तों ऐसे ही करना है, ये जो लॉक है ना ये वाला नट, इसको टाइट कर देना है, और करने के बाद फिर यहाँ से एडजस्ट कर करके देखना है आपको। और दोस्तों ये प्रॉब्लम 100% तो सोल्व नहीं होगी, पर दोस्तों मैं कहता हूँ कि 100 में से करीबन 70% ये सोल्व हो जाएगी, 70 या 80 मान लो 80%, 20% प्रॉब्लम रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं हो पाती। तो दोस्तों मेरा एक दोस्त मेरे को बता रहा था कि मान लो कि क्लच जब घस घसा के अपनी जगह सेट हो जाएगी, मान लो अपन नए ब्रेक शू डलवाते हैं, तो ब्रेक शू में क्या होते हैं, नए नए जब होते हैं तो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो होते हैं, मतलब कि सेट नहीं होते, मतलब जिस जगह पे अपने को चाहिए कुछ ज़्यादा ही ब्रेक लेते हैं, वो नॉर्मल ब्रेक जो अपन चाहिए रहती है वो सेटिंग वो नहीं हो पाती। तो दोस्तों थोड़े दिन बाद जैसे वो घिस जाते हैं उसके बाद सारा सिस्टम सही हो जाता है। तो दोस्तों इसी में भी वो बोल रहा था यही लॉजिक काम करेगा, तो उसका लॉजिक का वेट करते हैं। अगर क्लच को इसी सेटिंग में चला के देखते हैं, थोड़े दिन अगर घिस के ये सेट हो जाती है तो सबसे बढ़िया है, वरना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट कर नहीं रही, पिकअप अच्छे से बन रहा है। बस प्रॉब्लम ये थी कि क्लच बीचने के बाद जैसे कि न्यूट्रल हो जाए, मतलब जो चीज़ ओरिजिनल बाइक के साथ रहनी चाहिए वो होनी चाहिए। बाकी पिकअप एक नंबर बना रही है और बढ़िया भगती है, और देख सकते हैं ये खड्डा इसी ने कर रखा है, और ये भी पिकअप टेस्ट करके देख रहा था मैं। तो आपको भी दोस्तों ये करना है, इस नट को पूरा लूज़ कर लेना है, लॉक को खोल लेना है पहले, ये वाला लॉक, ये लॉक जो नट होता है ना ये वाला, ये साइड वाला ये, उसके बाद यहाँ से पूरी लूज़ कर लेनी है, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा टाइट करना है, टाइट यानी कि इसको कसते जाना है, और जहाँ पर जाके ऐसे लगे ना सामने कुछ भिड़ गया, उसके बाद एक चूड़ी घुमा लेनी है। और ये देख लें दोस्तों ये जो गिरा रही है ये नट वगैरह, ये देखें ये इतना लेवल पर आ रखा है एकदम, तो इसको लेवल पे आ जाएगा, इससे मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ये जो है ना ये गियर, जैसे देखो अभी बीचूंगा तो अंदर जाएंगे, ये देखो अंदर गया, छोड़ती बाहर आएंगे, तो ये लेवल हो जाए ना, जब तक कसना है इसको, जब ये लेवल हो जाए। और बाकी भाइयों सबकी अपनी अपनी क्लच की सेटिंग होती है बाइकों में, क्योंकि भाई मान लो मेरा क्लच कितना घस रहा है, आपका बिल्कुल ना घस रहा हो, किसी का ज़्यादा घस रहा हो, किसी का कम घस रहा हो, वही ब्रेक वाला सिस्टम है। अब मैं बोल दूं भाई ब्रेक यहाँ से टाइट करना है, दो चूड़ी कम कर लो, एकदम बढ़िया सेटिंग हो जाएगी। अब क्या पता मेरा जो ब्रेक लेदर है अंदर का वो ज़्यादा घिस रहा हो या कम घिस रहा हो, आपकी का ज़्यादा घिस रहा हो या कम घिस रहा हो, तो ऐसे अपन इसको बता नहीं सकते, पर अनुमान तो यही है दोस्तों। करनी है इसी तरीके से कि पहले यहाँ से पूरा लूज़ कर लें, फिर ऊपर से पूरा लूज़ कर लें, यहाँ से फिर इतना टाइट करना है कि ऐसा लगे कि सामने कुछ भिड़ गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से करनी है अपने को सेटिंग। और सबसे बेस्ट ये होगा कि आप एक काम करें, बाइक को ऑन करके स्टार्ट कर लें, और स्टार्ट करके क्लच बीच कर और पहला गियर डाल लें, और डालने के बाद टायर को रोकने की कोशिश करें, टायर रुक रहा है और गाड़ी बंद नहीं हो रही ना, तो मतलब सेटिंग सब सही है। और पिकअप करके देख लें, अब देखो इसमें इतना प्ले है, इसमें एक 5 का सिक्का आराम से चला जाए इतना है, तो इतना प्ले बहुत बढ़िया है। प्ले तो दोस्तों जितना रखें उतना बढ़िया है, क्योंकि प्ले से क्या होता है पिकअप अच्छा बनाती है गाड़ी, और जब बिल्कुल प्ले नहीं होता, जब
पिकअप नहीं बना पाती गाड़ी, क्योंकि पूरी क्लच छोड़ते हैं तो मतलब एक तो जैसे कि आप इतना सा छोड़ते ही क्लच माने, एक आप पूरा छोड़ रहे हो तब माने, तो टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी और RX 100 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करता हूं आपको डिटेल में सारी चीज़ समझाने की, और जिस भाई को इस नट की सेटिंग पता हो प्लीज़ कमेंट करें, और हम ताकि और भी जो हमारे दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो और हम सब की मतलब साथ में हेल्प हो। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए।